हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विनीतास किचन मैजिक। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं राजमा की रेसिपी, बहुत ही सिंपल सी, वो मेरे वाले स्टाइल। राजमा जो है मेरे ख्याल से शायद ही दुनिया में कोई ऐसा इंसान होगा जिसको पसंद नहीं होंगे। बच्चों से लेके बड़ों को, बूढ़ों को, सभी को जो है राजमा खाना बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। राजमा के साथ में लोगों को ज्यादातर पसंद आते हैं चावल, बट आज जो मैं आपके साथ राजमा की रेसिपी शेयर करने वाली थोड़ी सी डिफरेंट स्टाइल में है। मेरी वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। राजमा बनाने के लिए जो हम आज राजमा यूज कर रहे हैं वो हम यूज कर रहे हैं चित्रा राजमा। मार्केट में दो तरह के राजमा आते हैं, एक आते हैं ब्लैक कलर के राजमा और एक आते हैं इस तरह के, ये इन्हें बोलते हैं हम चित्रा राजमा। आप दोनों यूज कर सकते हैं राजमा बनाने के लिए, बट जो हमारे लाल वाले होते हैं, मतलब बीन्स जो थोड़े से ब्लैक होते हैं, वो थोड़ा सा कुकिंग में टाइम ज्यादा लेते हैं, ये हमारे कुकिंग में टाइम जो है थोड़ा कम लेते हैं। बट दोनों का टेस्ट भी फर्क होता है। कहने के लिए दोनों राजमा होते हैं बट टेस्ट दोनों का फर्क होता है बनाने में। इनको बनाने के लिए आपको सबसे पहले जो है इन्हें भिगोना पड़ता है। राजमा भिगोने के लिए हम पूरी रात इसको भिगो के रख सकते हैं, अगर आपको सुबह बनाने हैं तो। अगर आपको लंच में बनाने हैं तो आप इसको जो है मॉर्निंग में जो है थोड़े से गर्म पानी में भिगो के रख दीजिए। बट कम से कम जो है हमारे राजमा 4 से 6 घंटे भीगे होने चाहिए, जब ही जो है हमारे राजमा जो अच्छे से फूलते हैं ना। अच्छा हमारा राजमा फूला होगा, जितना देर तक हमारा राजमा भीगेगा हमारा राजमा जो है जल्दी से बन भी जाता है। तो ये बात भी हमें खास तौर पे ध्यान रखनी है कि हमारे को राजमा भिगोने का टाइम। और दूसरी बात जो हमें ध्यान रखनी है राजमा भिगोने के लिए, ये रखनी है कि जब हम राजमा भिगोएंगे तो हमारा पानी इतना होना चाहिए कि हमारे जो राजमा है वो डूब जाए। अब देखिए 4 से 6 घंटे जो है भिगोने के बाद में मेरा राजमा जो है इस स्टेज पे आ गया। देखिए अगर मैं इसको तोड़ रही हूँ ना नेल से तो ये थोड़ा थोड़ा टूट रहा है, लेकिन इसमें अभी कच्चापन है। इसको पूरी तरह से हमारा कुक कब होगा, जब हम इसको बॉईल करने के लिए रखेंगे, मतलब इसमें पूरी तरह से सॉफ्ट हो जाएगा जब हम इसे बॉईल कर लेंगे। तो इसलिए हमें राजमा को बनाने से पहले भिगोना जरूर है। अब हमने गैस पे कुकर रख दिया है और इसमें हमने सारा का सारा जो राजमा हमने भिगो के रखे थे वो ट्रांसफर कर दिए हैं। आप चाहें तो राजमा में बॉईल करते टाइम जो पानी भिगो के रखा है उसको भी यूज कर सकते हैं, या आप जो है और पानी भी यूज कर सकते हैं। अब जैसे कि मैंने राजमा ली थी 1 कप, तो बॉईल करते टाइम जो इसमें हम पानी ऐड करेंगे, या तो आप अपने अंदाजे से डाल दीजिए कितना राजमा हमारे डूब जाए उतने, पर हम इसमें यूज कर रहे हैं 4 कप के करीब पानी। जिस कप से आप राजमा मेजर करेंगे उसी कप से आप पानी को मेजर कीजिएगा। और इसमें हमने डाल दिया है 1/4 टीस्पून के करीब नमक बॉईल करते ही टाइम, चाहे आप इसको बाद में भी डाल सकते हैं, पर मैं जो हूँ अक्सर बॉईल करते टाइम भी नमक डालती हूँ थोड़ा सा और बाद में भी डालती हूँ। और अब इसका हम कर देंगे ढक्कन बंद और इसमें आने देंगे हम 4 से 5 सीटी। उसके बाद हम इसको स्लो कर देंगे, स्लो गैस पे ही हम इसमें राजमा को अच्छे से बॉईल होने देंगे। इससे क्या है ना, स्लो गैस पे अगर हम राजमा बॉईल होने देते हैं तो हमारे राजमा जो है जल्दी से बॉयल हो जाते हैं और काफ़ी जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं। इससे सीटी पे सीटी लगाने से हमारे राजमा अच्छे से नहीं गलता है। अब जब तक हमारे राजमा बॉयल हो रहे हैं तब तक हम जो है अपनी ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। ग्रेवी तैयार करने के लिए मैंने लिए हैं 3 मीडियम साइज़ के टमाटर। अगर आप बड़े साइज़ के ले रहे हैं तो आप 2 भी ले सकते हैं, अगर छोटे ले रहे हैं तो आप इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं। 2 ही हमने लिए हैं प्याज, स्मॉल साइज़ के लिए हमने प्याज भी। 3 से 4 हम लेंगे हरी मिर्चें और 1 इंच हमने लिया है अदरक का टुकड़ा। अदरक डालना राजमा में बिल्कुल ऑप्शनल है, बट मुझे अदरक का टेस्ट बहुत पसंद आता है इसलिए मैं हमेशा डालती हूँ राजमा में। अब देखिए हमने टमाटर की जो है प्योरी तैयार कर ली है अच्छे से, और प्याज को जो है मैंने पीस लिया है और हरी मिर्च भी जो है मैंने प्याज के साथ में ही पीस ली है। और ये जो अदरक ली थी हमने इसको जो मैंने छील कर इस तरह से लंबा लंबा काट लिया है। मुझे जो है राजमा में इसी तरह से अदरक डालना पसंद आता है। अब हम ले लेते हैं कुछ ड्राई मसाले, जिसमें हम लेंगे 1/4 टीस्पून के करीब सॉल्ट, नमक 1/4 टीस्पून के करीब ही हम लेंगे जीरा, 1/4 टीस्पून ही हम लेंगे हींग, और हम ये लेंगे तेज पत्ता। एक ही तेज पत्ता लिया मैंने, इसके 4 टुकड़े कर दिए हैं। और हम 1/4 टीस्पून के करीब लेंगे दालचीनी पाउडर, अगर दालचीनी पाउडर ना हो तो आप दालचीनी स्टिक्स का भी यूज़ कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून के करीब हम लेंगे धनिया पाउडर, धनिया पाउडर थोड़ा सा हम ज़्यादा यूज़ करेंगे, बहुत ही अच्छा टेस्ट देगा वो राजमा में। और साथ ही हम लेंगे 1/4 टीस्पून के करीब लाल मिर्ची पाउडर, अगर आप घर में कम खाते हैं लाल मिर्ची पाउडर तो आप कम भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि हमने इसमें ऑलरेडी हरी मिर्चों का भी यूज़ किया है। 1/4 टीस्पून के करीब हम लेंगे हल्दी पाउडर, 1 टेबल
टेबल स्पून के करीब हम लेंगे कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर, या आप ले सकते हैं देगी मिर्च पाउडर भी, जो कि हमारे राजमा को जो है बहुत अच्छा कलर देगा। और साथ ही जो है मैंने इसकी राजमा का फ्लेवर बढ़ाने के लिए इसमें हम यूज़ कर रहे हैं 1 टेबल स्पून के करीब राजमा मसाला। अगर आपके पास में है तो यूज़ कीजिएगा, नहीं है तो आप इस स्टेप को स्किप कर सकते हैं, बट एक बार डाल के देखिएगा, इससे राजमा का टेस्ट जो है बहुत ही अच्छा आता है। अब देखिए हमारे राजमा भी जो है अच्छे से बॉयल हो गए हैं, मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। देखिए अच्छे से हमारा जो है राजमा फूट रहा है, बस इस स्टेज तक ही जो है हमें इसको बॉयल करना है, क्योंकि अभी हम इसको और अभी छोंकेंगे तो बाकी का और भी उसमें कुक होगा। अब गैस पे हम फिर से कुकर रख लेंगे और इसमें हम डालेंगे 2 टेबल स्पून के करीब रिफाइंड ऑयल। रिफाइंड ऑयल की जगह पे आप देसी घी का भी यूज कर सकते हैं या सरसों के तेल का भी यूज कर सकते हैं। और तेल के गर्म हो जाने के बाद में इसमें हम डाल देंगे जीरा और हींग, और जैसे ही जीरा चटकने लगेगा हम तुरंत ही इसमें डालेंगे 4 से 6 काली मिर्चें। साबुत वाली काली मिर्च यूज कर रही हूँ मैं इसमें, आप चाहें तो काली मिर्च का पाउडर भी यूज कर सकते हैं। और तुरंत ही हम डाल देंगे अपना तेज पत्ता जिसके मैंने 4 टुकड़े कर लिए हैं, और हम उसके तुरंत बाद ही डाल देंगे अपना प्याज का पेस्ट। इसको भी हम अच्छे से भून लेंगे, बस हमें ज़्यादा इसका प्याज का जो है कलर चेंज नहीं करना है, बस हल्का हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो जाए इतना ही हम इसको भूनेंगे। अब जैसे ही जो है मेरी प्याज हल्की हल्की भुन जाएगी, हल्का हल्का कलर चेंज हो जाएगा, हम इसके तुरंत बाद इसमें डाल देंगे अपने टमाटर की प्यूरी और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे चमचे से। और इसके साथ ही हम डाल देंगे इसमें नमक। नमक आप देख के डालिए क्योंकि हमने बॉयल करते समय भी नमक डाला, अगर आपको लगे नमक ज्यादा है तो आप कम नमक का भी यूज कर सकते हैं। और साथ ही इसके हम डाल देंगे अपने बाकी के ड्राई मसाले, जैसे कि मैंने डाल दिया अपना धनिया पाउडर। धनिया पाउडर के बाद में हम डाल देंगे लाल मिर्ची पाउडर और हल्दी पाउडर, और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे देगी मिर्च पाउडर या कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर, और इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे चमचे से। और इसको हम 3 से 4 मिनट मसाले को भुनने देंगे कि जब तक ये मसाला जो है हमारा अच्छे से ऑयल न रिलीज करने लग जाए। और अगर आपको लग रहा है कि मसाला जो है हमारा थोड़ा सा उछल रहा है, बाहर हमारे को छींटे लग रहे हैं इसके, तो आप इस तरह से जो इसके ऊपर कुकर का ढक्कन रख सकते हैं और गैस को रखेंगे हम स्लो टू मीडियम। तेज गैस पे हम मसाला नहीं भूनेंगे, वरना हमारा जो मसाला है सारा जल जाएगा, और एक बार जल गया तो हमारा मसाला सब्जी का जो टेस्ट है एकदम खराब हो जाएगा। तो जो भी हम मसाला भुनेंगे हम भुनेंगे स्लो टू मीडियम गैस पे। 3 से 4 मिनट में ही देखिए हमारा जो है मसाला अच्छे से भुन गया है, इसने ऑयल भी रिलीज कर दिया है, और कलर देखिए मसाले का कितना प्यारा आया है, कितना अच्छा लग रहा है ये मसाला। अब जो है इसमें हमारे राजमा की सब्जी में जो है थोड़ा सा ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है कि हमने जो है 2 टेबल स्पून दही लिया है, और जो मैंने राजमा मसाला लिया था वो मैंने इसमें दही में अच्छे से मिक्स कर लिया है, फेंट लिया है, और इसको मैं इसमें ऐड कर दूंगी अपने भुने हुए मसाले में। अगर आप इस तरह से नहीं ऐड करना चाहें या आपके पास में दही अवेलेबल नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं कि जिस टाइम पे हमने ये धनिया पाउडर और ये कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर डाला था, उसी टाइम पे जो है आप इसमें राजमा मसाला भी ऐड कर सकते हैं। और अब इसमें देखिए कटोरी में थोड़ा सा लगा रह गया ये, तो मैं इसमें पानी डालकर इसको भी हिलाकर जो है इसमें ऐड कर देती हूँ। 1 मिनट के लिए थोड़ा सा और भून लेंगे, और इसके बाद में हम ऐड कर देंगे दालचीनी पाउडर भी, और ये जो मैंने अदरक की स्टिक्स काट के रखी थी लंबी लंबी, उसको भी मैंने जो है मसाला भूनते टाइम नहीं डाला था, अब डालेंगे हम इसको। इससे क्या होगा ना कि जो इसकी अदरक की जो खुशबू आएगी इसके अंदर राजमा में, बहुत ही अच्छी लगती है। हम 1 से 2 मिनट के लिए हम इस मसाले को थोड़ा सा और भूनने देंगे, जिससे जो हमने इसमें जो दालचीनी पाउडर और वो जो हमने अदरक ऐड की है इसमें, जो उसकी भी जो है एक्सट्रैक्ट अच्छे से इस मसाले के साथ में आ जाए। अब देखिए मेरा मसाला जो है बहुत अच्छे से भुन गया है। आपको मसाले से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी जो राजमा की सब्जी है ना कितनी गजब बनने वाली है। मतलब इसका मसाले का कलर देखिए, इतना सुंदर कलर आया है। तो इसमें हम जो भी ऐड करेंगे ना, तो वो सब्जी तो बहुत ही अच्छी बनेगी। और इसमें खुशबू जो आ रही है ना दालचीनी की, बहुत ही गजब की खुशबू आ रही है। अब इस स्टेज पे हम ऐड कर देंगे बॉईल किए हुए राजमा, और इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, मानिए कि 1 चमचे के करीब पानी हम इसमें ऐड कर देंगे, और इसमें हम तेज गैस पे ही 1 सीटी और लगा लेंगे। इससे ज्यादा सीटी हम नहीं लगाएं क्योंकि राजमा हमारे बहुत अच्छे से गले हुए हैं, वरना ये बहुत ज्यादा ओवर कुक हो जाएंगे, फट जाएंगे, तो बिल्कुल अच्छे नहीं लगेंगे। अब देखिए मेरे कुकर का जो है प्रेशर निकल गया है, इसमें मैं आपको दिखाती हूँ राजमा पास से कि देखिए कितने अच्छे कलर आया राजमा का। इसका टेस्ट तो गजब है ही, और उसका कलर भी देखिए कितना सुंदर लग, कहते हैं ना कोई चीज जब देखने में सुंदर लगती है तो अपने आप ही मन करता है उसको खाने का, कि देखिए जरा क्या टेस्ट है इसका। तो जब उसका लुक अच्छा होगा तो आपको खाने का भी मन बार बार करेगा, इस तरह से राजमा बनाने का भी मन बार बार। तो इस तरह से आप इसको एक बार बना के देखिएगा, इजीली बना सकते हैं राजमा। जिन्होंने आज तक कभी बनाया नहीं है राजमा, वो भी जो है इस तरह से बना के देख सकते हैं राजमा की सब्जी, सबको घर में बहुत पसंद आएगी। बच्चों को तो अक्सर राजमा जो है
है चावल के साथ में पसंद आते हैं। आपको किस तरह से पसंद आते हैं ये भी बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। तो इस तरह से हमारी राजमा की सब्जी हो गई है बिल्कुल तैयार। हमने इसको सर्विंग बोल में सर्व भी कर लिया है और आप इसको खा सकते हैं रोटी के साथ, पूड़ी के साथ, चावल के साथ, जिसके साथ भी आपका मन करे। बट एक बार बना के जरूर देखिएगा। कहते हैं ना जब छुट्टी होती है, संडे का दिन होता है, तो कुछ अच्छा मन करता है खाने का कि रोज रोज हम बाजार का कुछ खा नहीं सकते। तो इस थोड़े से ट्विस्ट के साथ में इस राजमा की सब्जी बना के देखिएगा, बाजार की सब्जियां खाना भूल जाएंगे। तो इसको हम ऊपर से गार्निश कर देते हैं हरी धनिए से, और जिससे इसका लुक थोड़ा सा और सुंदर आ जाए। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की रेसिपी जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि कैसी लगी आज की रेसिपी, और अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।